माँ के नवरात्र चल रहे हैं और आज मैं आया हूँ कंकाई बाणेज। यह स्थल कोड़ीनार से 50 किलोमीटर और ऊना से 55 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं अगर आप आना चाहते हैं सासन गिर से तो इसकी दूरी है 24 किलोमीटर। ये एक नेचुरल प्लस है। नेचुरल प्लस के साथ ये एक माँ आद्याशक्ति पीठ भी है, क्योंकि यहाँ के कण कण में बसती है माँ कनकेश्वरी, जिसका मात्र नाम स्मरण करने से तन और मन के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे माँ कनकेश्वरी के दर्शन करने को मैं आज आया हूँ। घटाधार गंगोर जंगल के बीच विराजमान है माता रानी का ये भव्य मंदिर, जिनका मात्र नाम स्मरण करने से ही मन और तन के कष्ट दूर होते हैं। ऐसे माँ के चरणों में आज मैं आया हूँ। यहाँ पर आप कोड़ीनार, ऊना, सासनगीर, सत्ताधार और सोमनाथ से आ सकते हैं। कोड़ीनार से इसकी दूरी है 50 किलोमीटर, ऊना गुजरात से 55 किलोमीटर, सोमनाथ से 63 किलोमीटर, सत्ताधार से 18 किलोमीटर और सासनगीर से 24 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। कोड़ीनार से आप कनकाई बाणेज के लिए ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले कोड़ीनार से 24 किलोमीटर की दूरी पे नज़र आएगा ये आपको जमजीर का चेक पोस्ट, क्योंकि ये माता का मंदिर जंगल सीमा के अंदर आता है। इसीलिए आपको जमजीर चेक पोस्ट से अंदर जाने के लिए परमिट निकालनी होगी, उसके बाद ही आप कनकाई मंदिर की ओर जा सकते हैं। अम्बोला जमजीर में भी एक बेहतरीन वाटरफॉल है, जो आप बारिश के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो आपको एक बेहतरीन वाटरफॉल की खूबसूरती को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जमजीर वाटरफॉल की वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। जमजीर चेक पोस्ट से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको नज़र आएगा छोडवड़ी का ये चेक पोस्ट। छोडवड़ी चेक पोस्ट से दाहिनी ओर 8 किलोमीटर की दूरी पे है बाणेज और बाहीं ओर की 12 किलोमीटर की दूरी पे है कनकाई माता का ये मंदिर। बाणेज में भी बहुत ही खूबसूरत अलौकिक शिव मंदिर है, इसकी वीडियो भी मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। फिलहाल अभी बात करेंगे कंकाई मंदिर की, क्योंकि ये मंदिर जंगल के बिल्कुल अंदर है इसलिए यहाँ के रास्ते भी बिल्कुल रफ है। आपके पास स्कॉर्पियो, बोलेरो या फिर 200 mm से ज़्यादा क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना आप रास्ते में फंस सकते हैं और आपको बाहर निकलने में घंटों तक का समय लग सकता है। आप अगर एडवेंचर के शौक़ रखते हैं तो आप यहां पर एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां के कण कण में बसती है खूबसूरती और रास्ते में आपको नज़र आ सकते हैं वन्य प्राणी। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना किसने की उसके बारे में तो पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है, पर मुझे जितना पता चला है उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। इसका जीर्णोद्वार संवत 1864 में किया था। उसके बाद तकरीबन 142 साल के बाद 1952 में फिर से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें जो पुरानी मूर्ति रखी हुई थी उसे वापस से स्थापित किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समय के अंतराल पर इसके जीर्णोद्वार होते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यीशु की 8वीं सदी में मनराज चावड़ा नाम के राजा हुआ करते थे, जिनके वंशज कनक चावड़ा ने कंकावटी नगर की स्थापना की और नगर के संरक्षक के रूप में मां कंकाई माता की पूजा अर्चना करके गिर जंगल के बीच कंकावटी नगर और मां कंकाई के मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर से थोड़ी दूर आप देखोगे तो आपको नजर आएगी यहाँ की खूबसूरती और सुनाई देगी पक्षियों की मधुर ध्वनि, जहाँ आप घंटों तक बैठ के मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 50 लोग ही रात को ठहर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर रात को ठहरना चाहते हैं तो आपको अलग से ठहरने के लिए परमिट निकालनी होगी, क्योंकि ये मंदिर गिर जंगल के अंदर है इसीलिए शाम के 6 बजे के बाद मंदिर से बाहर निकलने नहीं देते, और अगर आप यहाँ पर रात को रुकते हैं तो आपको रात में सुनाई देगी जंगली प्राणियों की आवाज़ें। सोमनाथ क्षेत्र
उत्तरे दक्षिणे तथा सौवंत 2000 इत्थोते नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम शिवराय नमः उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कर दीजिए इसे लाइक, और अगर आप पाना चाहते हैं और भी अपडेट्स हमारे वीडियो के तो कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब।